सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन टेक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेटीएम के एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड के बारे में। गाइस, पेटीएम ने एसबीआई के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, आपको क्या करना, आपको इस वीडियो का पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है। गाइस, इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो गाइस, इस क्रेडिट कार्ड का नाम है पेटीएम एसबीआई सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो गाइस, इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है, क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज होने वाला है, और यहाँ पे क्या क्या ओवरऑल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाला है यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे दिया जा रहा है यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि पेटीएम ने HDFC के साथ मिलकर, ICICI के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, लेकिन दोस्तों पेटीएम की तरफ से ये जो SBI के साथ पार्टनरशिप करके गाइस ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। गाइस, ये जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड माना जा रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, इस पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं गाइस और स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं जो SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है गाइस, मैं इस पे आ गया हूँ, sbicard.com पे मैं आ गया हूँ। और गाइस, यहाँ पे आने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे सर्च किया पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट, यानी कि जो हम इंट्रो में मैंने बताया था कि SBI और पेटीएम ने मिलकर एक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो गाइस, इसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला है कि क्या क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है, क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होने वाला है, और क्या क्या यहाँ पे एयरपोर्ट लॉग एक्सेस में आपको कितनी बेनिफिट मिलने वाली है, क्या एनुअल फी होने वाले, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, यहां पे आपको जैसे आप यहां पे आएंगे तो गाइस यहीं पे आपको ज्वाइनिंग फी दिख रहा होगा। तो गाइस, यहां पे ज्वाइनिंग फी की बात करें तो 1499 रुपये रखा गया है, और एनुअल फी जो है जो सेकेंड ईयर के जो एनुअल फी है गाइस यहां पे 1499 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो गाइस, ये ज़्यादा यहां पे नहीं है, और इसकी इसलिए 1499 रुपये है क्योंकि इसकी जो एडवांटेज भी है बहुत ज़्यादा, इसमें एडवांटेज भी दिया जा रहा है, इसलिए इस क्रेडिट कार्ड को पेटीएम की तरफ से बहुत ही बेस्ट माना जा रहा है। तो गाइस, चलिए इसकी क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या बेनिफिट्स है पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्रिविलेज ऑन पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट, यानी कि इसके बारे में देखिए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वेलकम ऑफर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। वेलकम ऑफर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है कि एंजॉय बेनिफिट अप टू 75,000 विथ कम्प्लीमेंट्री फर्स्ट मेंबरशिप, यानी 75,000 का आपको कम्प्लीमेंट्री फर्स्ट पेटीएम मेंबरशिप आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस, यहाँ पे 750 रुपये कैशबैक ऑन पेटीएम वैलेट भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं कैशबैक की। तो गाइस, यहाँ पे कैशबैक की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक आपको मिलने वाला है, 2% का कैशबैक मिलने वाला है, और 1% का भी कैशबैक मिलने वाला है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको अंदर में कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको साइबर फ्रॉड से आपको जो भी यदि इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आपको 2 लाख रुपये का यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड पे आपको साइबर फ्रॉड पे आपको 2 लाख रुपये का रिकवर दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं माइलस्टोन में गाइस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है क्या क्या, यहाँ पे देखिए 2000 का भाउचर दिया जा रहा है, 4000 का भी भाउचर दिया जा रहा है। तो ये कब कब आपको मिलने वाला है, तो देखिए जब 4 लाख रुपये स्पेंड करेंगे तो 2000 का मिलेगा, और 4000 रुपया स्पेंड करेंगे, सॉरी 6 लाख रुपया स्पेंड करेंगे एक साल के अंदर में, तो आपको 4000 का भाउचर आपको दिया जाएगा। तो गाइस, ये देखिए पूरा माइलस्टोन की बात हो गई। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉन्च प्रोग्राम भी है, आपको यहाँ पे इंटरनेशनली कहीं बाहर में भी जाते हैं तो लॉन्ग जैसे भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक लॉन्ग जैसे भी है, फ्यूल सरचार्जेज भी है, और आपका बी इन कंट्रोल में ये गाइस है कि आप अपने जो बैलेंस है, जो भी आपका क्रेडिट लिमिट है, आप उसे आप अपने SBI का जो कार्ड ऐप आता है गाइस, आप उससे वहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेलकम ऑफर की बात करते हो गाइस, यहाँ पर लिखा गया है कम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप इज प्रोवाइडेड टू पेटीएम SBI कार्ड होल्डर अपॉन द कार्ड एक्टिवेशन। जैसे आप क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो जो भी कार्ड होल्डर होगा उसको पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप का कम्प्लीमेंट्री
पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप पास दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री पास आपको मिलने वाला है, जो कि पेटीएम की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है पेटीएम के तरफ से ही लॉन्च किया गया है, जो कि एसबीआई के प्लेटफॉर्म पे किया गया है, जो कि दोनों मर्ज करके इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। अब कैशबैक की बात करें तो गाइस यहाँ पर देखिए कैशबैक में मैंने बताया कि 5% के कैशबैक आपको कब मिलेगा ऑन पेटीएम मॉल मूवीज ट्रेवल परचेज थ्रू द पेटीएम ऐप, ठीक है। पेटीएम ऐप से यदि इस तरह का कोई भी परचेज करते हैं तो 5% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है। 2% का कैशबैक आपको कम मिलेगा ऑन अदर पेटीएम ऐप, यानी किसी भी तरह का अदर परचेज करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलने वाला है, ठीक है। और 1% का कैशबैक आपको कम मिलेगा यानी एवरी ईयर एल्स, यानी कि ये दो प्लेटफॉर्म को छोड़ के यदि कहीं पे भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 1% का कैशबैक आपको 100% देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1% का फ्यूज सरचार्ज भी देखने को मिलने वाला है, तो 1% का फ्यूज सरचार्ज भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी ट्रांजेक्शन की एक लिमिट रखेगी। ये लिमिट क्या होता है गाइस, ये 500 से लेकर 4000 के बीच में रखा गया, यदि इसके बीच में यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का फ्यूज सरचार्ज भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया मैक्सिमम सरचार्ज वेवर ऑफ द 250 रुपया पर स्टेटमेंट साइकिल, यानी कि पर हर महीने के एक साइकिल में आप 250 रुपये से ज़्यादा आप इसमें अर्न नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री साइबर फ्रॉड एक्सेस में। गाइस मैंने जैसा कि बताया था कि यदि इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको 2 लाख रुपये का फाइनेंशियल लॉस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी पास में देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी पास की बात करें तो गाइस लिखा गया प्रायोरिटी पास मेंबरशिप फी इज कम्प्लीमेंट्री फॉर फर्स्ट 2 कार्ड होल्डर मेंबरशिप, यानी फर्स्ट 2 कार्ड होल्डर मेंबरशिप को ये प्रायोरिटी पास दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डोमेस्टिक लॉन्च प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। डोमेस्टिक लॉन्च प्रोग्राम में देखिए लिखा गया है कि पेटीएम एसबीआई कार्ड होल्डर एलिजिबल फॉर द 4 डोमेस्टिक लॉन्च एसेस इन ए ईयर, यानी एक साल के अंदर में आप 4 डोमेस्टिक लॉन्च एसेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि इन ए ईयर कैप टू 1 एक्सेस पर क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में आप एक बार एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। गाइस यहाँ पर माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है कि आपको 2000 का बेनिफिट आपको कम मिलेगा, 2000 का आपको माइलस्टोन गिफ्ट वाउचर कम मिलेगा यदि आप 4 लाख रुपए स्पेंड करते हैं एक साल के अंदर में रिटेल स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 का बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे 6 लाख रुपया स्पेंड करते हैं एक ईयर के अंदर में तो गाइस आपको यहाँ पे 4000 का गिफ्ट वाउचर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी, इस क्रेडिट कार्ड को आप कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं। 24 मिलियन ऐसे आउटलेट बने हुए हैं जहाँ पे दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आप अपने पेरेंट्स के लिए या फिर स्पॉस के लिए चिल्ड्रेन के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए इस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक और यहाँ पे बेनिफिट यूटिलिटी बिल। गाइस यूटिलिटी बिल ये होता है कि यदि आप किसी भी तरह का कोई पेमेंट करते हैं जैसे फ़ोन बिल, टेलीफोनिक बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ये सब सारी चीज़ें यूटिलिटी बिल में आती है, तो गाइस ये पे करेंगे तो गाइस यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये गाइस इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई, गाइस जैसा कि मैंने बताऊंगा कि यदि आप का कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उसका कोई भी ईएमआई जा रहा है तो गाइस उस ईएमआई का जो भी ड्यूज होगा इस क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं, यही इसके बारे में होता है कि बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई, ठीक है। ईएमआई भी आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट के बिल को पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस फ्लेक्सी पे भी इस क्रेडिट कार्ड से दिया जा रहा है। फ्लेक्सी पे क्या होता है गाइस, फ्लेक्सी पे ये होता है कि यदि 2500 से ऊपर का कोई भी सामान परचेज करते हैं तो गाइस आपको वहाँ पे उस जो भी पेमेंट होगा, जो भी आप सामान परचेज करेंगे उस जो भी स्पेंट होगा, यानी मान लो 2000 5000 जो भी स्पेंट होगा उस चीज़ को आप 3 महीने 6 महीने 9 महीने के ईजी इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई पे आप उसे पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फ्लेक्सी पे। उसके बाद इजी मनी फैसिलिटी है गाइस। इजी मनी फैसिलिटी क्या होता है गाइस, यदि आप कोई भी बूढ़े बुजुर्ग हैं और इस क्रेडिट कार्ड की यूज करते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे बैंक ना जाना पड़े बार बार, तो वो क्या करेंगे, वो एक चेकबुक या फिर अपने डीडी के माध्यम से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और करने के बाद गाइस उनका जो भी मनी रिक्वेस्ट करेंगे वो उनके डोर स्टेप पर पहुँचा दिया जाएगा। इजी मनी फैसिलिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए पूरा डिटेल में मैंने इसकी जो भी
इसका एडवांटेज है, जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में मैंने बता दिया है गाइस। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके फ़ी एंड चार्जेस के बारे में। गाइस फ़ी एंड चार्जेस के बारे में मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे 1499 रुपये फ़ी एंड चार्जेस लगेगा, और रिन्यूअल फ़ी जो है गाइस वो वही 1499 रुपये रखा गया है। और एड ऑन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस पे यहाँ पे यदि एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी पैसे या फिर कोई भी चार्जेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखिए पूरा डिटेल में मैंने कवर कर दिया इसके फ़ी एंड चार्जेज के बारे में, क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो गाइस क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा रखना पड़ेगा, तो गाइस आपको यहाँ पे जैसा कि डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप अपना 3 मंथ का सैलरी स्लिप, और आपका यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR फाइल करते होंगे, तो 5 लाख 6 लाख का जो ITR फाइल करते हो वो आपको शो करना पड़ेगा। यदि आप कहीं किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। और देकर गाइज यहाँ से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी बेनिफिट्स है गाइज इसके बारे में आप इसका जो भी बेनिफिट्स है आप इसके बेनिफिट को भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज कि ये 8-9 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में मैंने कवर कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये वीडियो लंबा होगा तो शायद आपको ही इरीटेटिंग फील होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। सो आई होप गाइज कि मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ छूट जाता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। और गाइस आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकें और गाइस इस क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकें। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।